ये जो क्वेश्चन था ना हम लोग का, ये क्वेश्चन हम लोग का क्या था? ठीक है, ये आप लोग को शायद दिखा होगा क्वेश्चन क्या था। तो इसमें से हम लोग R1 और R2 कैलकुलेट करने दिए थे। धनीराम से ही बोला है R1 का वैल्यू 134.2 न्यूटन आएगा और R2 का वैल्यू आएगा 240.8 न्यूटन आएगा। तो ये दोनों वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा बढ़िया से, अगर कैलकुलेट नहीं करिएगा तो कर लीजिए अभी। हम तो इतना तो कर दिए थे। अब बाय अप्लाइंग लेमिस थ्योरम एट पॉइंट ए वी गेट तो R1 बाय साइन गामा इक्वल्स टू R2 बाय साइन बीटा इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो एक इक्वेशन क्या लिखेगा, R1 बाय साइन गामा इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, एक इक्वेशन ये आएगा। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, R2 बाय साइन बीटा इक्वल्स टू 200 बाय साइन अल्फा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आपके पास पता है, तीनों वैल्यू पता है। बीटा का वैल्यू 90 डिग्री, अल्फा का 123.9 और गामा का है 146.1। ये सारा वैल्यू आप लोग रख दीजिए कैलकुलेटर में, डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ से पा सकते हैं। क्या रुद्र क्या है इसको? यस सर, किए सर। सर सही आर थ्री बता का एक पाए। सौ पचपन आया न्यूटन सर। R3 भी कैलकुलेट कर लिया। R3 कैलकुलेट किया है। यस सर, ओके, देखते हैं, अगर किया है तो बहुत बढ़िया, बहुत वन वन बढ़िया। फिफ्टी फाइव न्यूटन सर। R3 155 अपने से किया है ना, कि देख के किया यस है? सर, नो सर, है? देखेंगे कहाँ से। नो सर, चलो ठीक है, बढ़िया, बताना आगे आगे बताना। और यस सर, यस पप्पू R4, ठीक है, R4 भी कर लिया है, यस सर, फाइनल आंसर भी बोलो है कितना सर। R4 का वैल्यू। R4 बोलो। ठीक है, कोई नहीं। ये जो फिगर था हम लोग का पहले, क्या आज डिफरेंस समझ लो, कल का और आज का फिगर में क्या डिफरेंस है? कल हम लोग छोटा वाला सर्कल को पकड़ के हम लोग हिसाब किताब कर रहे थे। इसका मतलब ये हो रहा था कि जो हम लोग का छोटा वाला पे बड़ा वाला फोर्स लगा रहा था, आज क्या है, छोटा वाला बड़े वाले पे फोर्स लगा रहा है। तो कल हम लोग क्या देखे थे कि छोटा वाले पे हम लोग सारा कैलकुलेशन किए थे एट पॉइंट ए। आज क्या करेंगे, आज सारा चीज किस पे करेंगे, एट पॉइंट बी पे करेंगे। ठीक है, डिफरेंस इतना ही है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। कल हम लोग सारा काम किए थे एट पॉइंट ए, देखे थे कि उसमें तीन फोर्सेस लग रहा था और तीन फोर्स एक सिंगल पॉइंट से होकर के गुजरता था। जो तीनों फोर्स था क्या था, वो एक कोप्लानर फोर्सेस था। तो हम लोग वहां पे क्या लगा सकते थे, वहां पे हम लोग लेमिस थ्योरम को अप्लाई कर दिए थे। आज क्या करेंगे, बी पॉइंट पे देखेंगे, क्या बी पॉइंट पे लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है उस पे, देख लेंगे हम। ठीक है, देखिएगा ये जो फिगर आप लोग को शायद थोड़ा धुंधला दिख रहा है कि ठीक ठाक दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना, बी पॉइंट दिख रहा है, बड़े वाले फिगर का जो हम लोग का सेंट्रोइड है ना, उसको बी पॉइंट बोल रहे हैं। दिख रहा है क्या? यस सर, ओके, तो देखिए बी पॉइंट जो है हम लोग का बड़े वाले जो स्फीयर है ना, उसके बीच का जो सेंटर जो है उसका बी पॉइंट है सेंट्रोइड। बी पॉइंट माने हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता से सारा चीज बोल देते हैं, उसके बाद आप लोग ना थोड़ा थोड़ा ये करिएगा, बोलिएगा। नीचे की तरफ उसका वेट कितना लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है हम लोग का 500 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद एक फोर्स तो वहां लग रहा है, और जो दो फोर्स है ना हम लोग का, एक है R1 और है एक R2, कहाँ कहाँ एक्ट करेगा? हम यहाँ बोले थे कि जहां भी वो फिक्स रहेगा, जिस जिस एज पे, वहां पे एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा। देखिएगा एक पॉइंट आर पॉइंट सी पे हम R2 लिखे, R3 लिखे हैं, और डी पॉइंट पे हम एक रिएक्शन फोर्स R4 लिखे हैं।
यहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं देखिएगा, सर आपका आवाज कट रहा है। हेलो हेलो, आवाज कट यस रही है क्या? सर, मेरा यस आवाज आ सर रही है? कट रहा है, अभी आ रही है सर, लेकिन कटने लगता है। अच्छा तो देखो बढ़िया से सुनो थोड़ा। कल क्या हो रहा था कि हम लोग कल छोटे वाले पे फोर्स लगा रहे थे, आज क्या कर रहे हैं बड़े वाले पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। छोटे वाले से बड़े वाले पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसी वजह से आर टू का जो डायरेक्शन है ए टू बी है। कल क्या हो रहा था, बी टू ए हो रहा था। कल का जो फिगर था हम लोग के पास वो बी टू ए था। एक बार देख लो आप लोग फिगर को, हम कंपेयर करके दिखा देते हैं। दोनों फिगर को कंपेयर करके जब देखिएगा तभी समझ में आएगा आज के फिगर में और कल के फिगर में। तो देखिए देखिए ये वाला देखिए क्वेश्चन, जो हम लोग का कल का जो फिगर था ना ये थोड़ा चेंज था ना। कल हम लोग डॉट डॉट से कौन सा वाला बनाए थे, बड़े वाले फिगर को बनाए थे। आज हम लोग डॉट डॉट से बना रहे हैं छोटे वाले फिगर को। मतलब यही था, देखिए जो आर वन या फिर आर टू का डायरेक्शन आप लोग देखिए बी टू ए था। आर टू का डायरेक्शन बढ़िया से दिखिएगा, यहाँ पे आर टू का डायरेक्शन ए की तरफ लग रहा है। आज जो हम लोग आर टू का डायरेक्शन करेंगे ना आज एकदम उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा। दोनों फिगर को कंपेयर करिएगा आप लोग, अगर फिगर को कंपेयर नहीं कर पाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए आज का आर टू बी की तरफ लग रहा है, कल का आर टू क्या था ए की तरफ लग रहा था। मतलब यही है कि कल जो फोर्स लगा रहे थे हम ए की तरफ लगा रहे थे। मतलब क्या, हम छोटे वाले सर्कल का छोटे वाले सर्कल पे फोर्स लगा रहे थे, आज क्या कर रहे हैं छोटे वाले सर्कल से बड़े वाले सर्कल पे फोर्स लगा रहे। तो डायरेक्शन क्या हुआ, ए टू बी हुआ। कल क्या था, बी टू ए था, आज डायरेक्शन अलग है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है जब ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। स्टार्ट करें? यस सर। ओके तो हम लोग का यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा जो जहां जहां फिक्स्ड है, मेरा जहां जहां फिक्स्ड पोर्शन है या फिर जहां टच कर रहा है बीम या फिर जो भी स्पीयर है वहां पे एक मेरा रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि तीन रिएक्शन फोर्स मेरा एक्ट हो रहा है, एक सी पॉइंट पे, एक मेरा डी पॉइंट पे और एक मेरा जो दो जो जो दोनों स्पीयर जहाँ पे टच कर रहा है वहां पे आर टू एक्ट कर रहा है। और तीनों का डायरेक्शन हमको पता है कि ये जो आर टू लग रहा है मेरा बी की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस और नीचे की तरफ लग रहा है। उसके बाद ये जो डी पॉइंट पे जो लग रहा है मेरा आर फोर जो लग रहा है मेरा, ये वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है फास्टेस्ट थ्रो पॉइंट बी की। याद रखिएगा ये जो आर फोर लग रहा है मेरा ये कहाँ लग रहा है, पॉइंट बी डी पे लग रहा है जो पास करता है पॉइंट बी से ऊपर की तरफ लग रहा है, एरो देखिएगा। उसके बाद सी पॉइंट पे एक और रिएक्शन फोर्स लगता है क्योंकि वहां पे बॉडी टच करता है, क्योंकि वहां पे बॉडी एक सपोर्ट में है उस वॉल को जो 60 डिग्री एंगल कहां से बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से। तो जहां जहां टच करेगा बॉडी वहां पे रिएक्शन फोर्स को क्रिएट करेगा। तो तीनों रिएक्शन फोर्स का आपको डायरेक्शन पता चल गया और उसको आप लोग क्या क्या पकड़े हैं वो भी पता चल गया कि आर फोर आर थ्री और आर टू और डायरेक्शन भी पता चल गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है बस, और कुछ करना नहीं है, वो हो जाएगा। अब हम लोग एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। आवाज आ रही है ना, क्या अभी भी कट कट के आ रही है? यस सर, आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना, आप देखिए यहाँ पे पहले डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हमको समझा दीजिए। बी पॉइंट का बात कर रहे हैं, बी पॉइंट पे थोड़ा सा ये कीजिए, विजुलाइज कीजिए बी पॉइंट पे थोड़ा सा, दोनों फिगर को हम लोग देख लेंगे। क्या आर टू आपको समझ में आ रहा है कि बी पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है? आर टू का डायरेक्शन को देख के बोलना पहले फिगर को, क्या समझ में आ रहा है आपको आर टू बताओ। हेलो, यस सर, नीचे की तरफ कहां से बी पॉइंट से पास हो रहा बी है और पॉइंट कहां नीचे की तरफ जा रहा है,
तो हम बी पॉइंट से पास करा दिए और नीचे की तरफ उसको कर दिए। एंगल बाद में देखेंगे, पहले आप उतना समझो। उसके बाद आर थ्री को देखिए आप लोग बढ़िया से, क्या आर थ्री बी पॉइंट से गुजर कर वो राइट साइड की तरफ जा रहा है क्या, अपवर्ड राइट साइड की तरफ आर थ्री? एंगल बाद में, सिर्फ अभी डायरेक्शन देख लीजिए आप लोग पहले। आर थ्री का डायरेक्शन बोलना पहले। हेलो, आर थ्री जो सी पॉइंट पे लग रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। आर थ्री के बारे में कुछ समझ में आ रहा है? किधर लग रहा है? ठीक यस सर, ऊपर की तरफ राइट साइड। है। और ये जो आर फोर माइनस 500 लिखे हैं रुद्र प्रताप, कैसे लिखे हैं समझना, क्योंकि तुम तो सोल्यूशन कर दिया, क्यों लिखे हैं उसको? डायरेक्ट आर फोर क्यों नहीं लिखे हम? वो जो ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स रुद्र प्रताप, यस सर। वो जो आर फोर माइनस 500 किया है ना तुम भी क्वेश्चन में, हाँ कैसे सर। सोल्यूशन किया? ऐसे ही तो। वो यस आर सर। फोर डायरेक्ट क्यों नहीं कर दिया, माइनस 500 क्यों कर रहे हैं बताओ? देखो यहाँ पे तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ये जो 500 न्यूटन जो मेरा फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो बॉडी का वेट है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, बॉडी का वेट हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। वो जो स्पीयर है मान लीजिए लोहे का बना हुआ है, तो उसका भी तो कुछ वजन होगा, और उस वजन की वजह से नीचे की तरफ वो बॉडी एक्ट करेगा, उसका वेट। तो वो जो वेट है उसका वेल्यू कितना है, 500 न्यूटन। अब क्या हो रहा है, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, वो ठीक है, लेकिन बी पॉइंट पे, डी पॉइंट जो है मेरा पॉइंट डी, डी फॉर दहली, जो डी पॉइंट है वहां पे वो स्पीयर टच कर रहा है, और वहां जहां पे टच कर रहा है उससे 90 डिग्री एंगल पे वो क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, और वो रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होगा, जहां पे टच करता है ना उसका हमेशा 90 डिग्री एंगल में ही होता है, ये चीज याद रखिएगा। जहां पे रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है वो उस पॉइंट पे 90 डिग्री में ही एक्ट करता है। तो जो मेरा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था 500 न्यूटन, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ये आपको पता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये बॉडी आपको दिख रहा है कि डी पॉइंट जो मेरा है वो हॉरिजेंटल एक्सिस में ही है। अगर हॉरिजेंटल एक्सिस में है तो उसको 90 डिग्री में ही उसका रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे डी पॉइंट पे ही क्रिएट होगा 90 डिग्री एंगल पे। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बॉडी आपका नीचे की तरफ आने को नहीं देता है, मतलब क्या आर फोर थोड़ा ज्यादा बनाए रख रहा है उस बॉडी को ऊपर की तरफ। मान लीजिए अगर आर फोर अगर आपका कम हो जाता लेस देन 500 न्यूटन, तो आपका क्या होता, बॉडी नीचे की तरफ आ जाता, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ नहीं रहा है, बॉडी को वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। मतलब क्या आर फोर का वेल्यू ग्रेटर देन क्या है, 500 न्यूटन, तभी तो बॉडी आपका एक स्टेबल पोजिशन में है। अगर आर फोर और आर फोर का वेल्यू अगर 500 न्यूटन से अगर कम हो जाता तो बॉडी नीचे की तरफ आ जाता। इसी वजह से ये जो मेरा रिएक्शन फोर्स और जो 500 न्यूटन है आर फोर और 500 न्यूटन का जो डायरेक्शन होगा हमेशा ऊपर की तरफ होगा, अदरवाइज मेरा ये बॉडी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आज इस 500 न्यूटन को आप इंक्लूड कर रहे हैं, कल भी तो मेरा वो छोटा वाला रिंग का या फिर स्पीयर का 200 न्यूटन वेट था बॉडी का, कल तो हम लोग नहीं लिए थे क्या, ऐसा ऐसा नहीं आ रहा दिमाग में क्या रुद्र प्रताप? वो तो इंक्लूड नहीं करवाए थे कि करवाए थे, बोलो, करवाए थे, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, ए पॉइंट पे वहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड कोई रिएक्शन फोर्स नहीं था,
वहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड मेरा एक क्या था, वेट था, और एक R1 था, और R2 मेरा बड़े वाले स्फेयर की वजह से लग रहा था, ठीक है। इसी वजह से R4 -500 हम लोग ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। समझ में आया? बताओ, इतना समझ में आया तो फिर लेंगे। यस सर सर सबको समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से रिपीट कर देते। सर R4 समझ में नहीं आया ठीक से। सर रिएक्शन फोर्स कहाँ कहाँ लगता है ये बताओ पहले। रिएक्शन फोर्स तो जहां बॉडी रिएक्शन सपोर्ट में फोर्स रहता है, यस सर पॉइंट डी पे डी पॉइंट पे टच कर रहा है, वहां पे बॉडी बड़ा वाला हम लोग का जो स्पेयर है, तो यस सर अगर टच कर रहा है मतलब सपोर्ट में है, तो सपोर्ट में है तो रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम लोग का जो रिएक्शन फोर्स होता है हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो रिएक्शन फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होगा। और उसके बाद माइनस क्यों कर रहे हैं ये आपको बता चुके हैं, क्योंकि मेरा जो 500 न्यूटन फोर्स मेरा नीचे की तरफ लग रहा है और R4 ऊपर की तरफ लग रहा है। अब क्या करना है आपको, किसके साथ किसको माइनस करना है वो डिपेंड करेगा आपका, कि 500 -R4 करना है या फिर R4 -500 करना है, क्योंकि बॉडी आपका नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, उसको एक स्टेटिक पोजिशन में बनाए रखना है, तो R4 को ज्यादा होना होगा, इसी वजह से R4 हमेशा ग्रेटर देन 500 होगा। इसी वजह से यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, R4 -500, और जिसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगा, ठीक है। R4 समझ में आया? यस सर ओके। और किसी को कुछ डाउट बोलो, किसी को अगर कुछ डाउट हो तो चले आगे चले। यस सर ओके, देखो एंगल सब हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक एंगल तो आपको पता है, जो बी पॉइंट से जो एंगल बना रहा है ना R2, वो हॉरिजेंटल से हम लोग का वो 56.1 डिग्री है, ये हम लोग कल कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आज करने का जरूरत नहीं है आप लोग को। वो जो बी पॉइंट पे जो R2 एंगल बना रहा है ना, वो एंगल हम लोग कल फाइंड आउट कर चुके हैं, देख लीजिएगा आप लोग, वो कितना था, हॉरिजेंटल एक्सिस से 56.1 डिग्री था, तो उसको नहीं बोलेंगे आज हम, क्योंकि कल वो पूरा कैलकुलेशन ही किए हैं R2 के लिए। वो फिगर देख लीजिएगा एक बार आप लोग, कि R2 के लिए हम लोग का एक पूरा ये पूरा फिगर ही देख लीजिएगा आप लोग, 56 पॉइंट जो है ना R2 का वैल्यू, वो B पॉइंट पे हॉरिजेंटल के साथ मेरा कितना डिग्री एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, देखिएगा दोनों जगह पे थीटा डिग्री ही एंगल है, ठीक है। तो ये आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, थीटा एंगल जो है वहां पे 56.1, ये हम लोग कल पूरा कैलकुलेशन किए हैं, बी पॉइंट पे R2 हॉरिजेंटल से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, वो ऊपर की तरफ बना रहा था 56.1 डिग्री, तो ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम होगा, ठीक है। 56 वाला आप लोग कर चुके हैं, ये वाला सिर्फ ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा, आप लोग को ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत आता होगा, ठीक है। तो 56 का हम नहीं बता रहे हैं, ये 60 डिग्री एंगल उसके बाद जो हम लोग उसको बता रहे हैं, 30 डिग्री से आया उसको हम देखिए सर आवाज आप लोग कट खुद रहा है। से 56.1 डिग्री कैसे आया वो आपको पहले कल कल के कैलकुलेशन से ही देखना है, ठीक है। ये जो बी पॉइंट पे है ना, जो मेरा 56.1 डिग्री जो लिखे हैं हम ना R2 के साथ, वो कल कैलकुलेशन कर चुके हैं बढ़िया से, इसी कैलकुलेस 56.1 डिग्री को कैलकुलेशन करने में ही हम लोग का पूरा क्लास कल खत्म हो गया था, तो उसको आज नहीं बता रहे, वो सिर्फ अपोजिट एंगल ही है, बस उतना ही है और कुछ ही नहीं उसका कॉन्सेप्ट। तो आज जो ये जो 30 डिग्री एंगल है ना मेरा R3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कैसे बना रहा है वो बता दे रहे हैं आप लोग को बढ़िया से, यही अगर बन जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, और कुछ इसमें है ही नहीं बताने ना। R3 जहाँ पे लग रहा है ना, पहले थोड़ा सा विजुलाइज करो, जहाँ पे सी सी पॉइंट पे जो लग रहा है R3, उसको थोड़ा विजुलाइज करना, तो बढ़िया से सभी कोई देखो, क्योंकि वो लगेगा हमको सी पॉइंट पे R3 लग रहा है, लग रहा है सी पॉइंट पे, हेलो, यस सर सी पॉइंट पे R3 लग रहा है, हम क्या बोले, जहाँ पे जिस पॉइंट पे भी रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है वो उस पॉइंट पे 90 डिग्री पे ही लगता है, ये चीज याद है, थोड़ा देर पहले बताए रिएक्शन फोर्स कितना डिग्री एंगल में लगता है उस पॉइंट पे,
किसी भी पॉइंट पे जहां पे रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है ना, वो रिएक्शन फोर्स उस पॉइंट पे या फिर उस एज पे वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ही लगता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा हमेशा, ये यूनिवर्सल है। जिस पॉइंट पे भी लगे, वो जितना डिग्री एंगल पे वो लाइन हो, उस लाइन को वो एडजस्ट करके वो 90 डिग्री एंगल पे ही रिएक्शन फोर्स को ये करवाते हैं हम लोग, कैलकुलेट करवाते हैं। अदरवाइज देखिएगा हम लोग जब सोम पढ़ेंगे ना तो ये चीज समझ में आएगा आप लोग को, अगर नहीं भी रहेगा तो उसको 90 डिग्री एंगल में करना पड़ेगा, ये हमेशा मैक्सिमम टाइम 99.99 टाइम्स हमेशा रिएक्शन फोर्स या तो एक्स एक्सिस में लगता है या फिर वाई एक्सिस में लगता है। अगर वाई एक्सिस में नहीं लगता है, जिस एंगल पे वो लाइन है या फिर जिस सरफेस पे लग रहा है, उस सरफेस पे वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ही लगेगा। इतना समझ में आया कि नहीं बताओ, ये पॉइंट समझ में आया, लिख लो, अगर खाता में आप लोग को लिखना है तो लिख लो, क्या कि रिएक्शन फोर्स हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ही एक्ट करता है। चले आगे चले, तो अब क्या हो रहा है यहाँ देखना, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बनाया ना हम इधर, ये वाला ट्रायंगल पे ध्यान दे रहे हैं। अब आवाज आ रही है ना? Yes, धनीराम देखो छोटा yes, सा sir, आ रही है। ठीक है, छोटा सा हम एक ट्रायंगल बनाया राइट साइड वाले में, देखना अब सी पॉइंट पे, देखना सी पॉइंट पे हम 90 डिग्री का ये दिए हैं, नोटेशन दिए, दिख रहा है सी पॉइंट पे 90 डिग्री में क्या हो रहा है, वो 90 डिग्री में ही कट कर रहा है वहां पे या फिर एक्ट कर रहा है। और दूसरा वाला कितना डिग्री है, एक एंगल और भी दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 60 डिग्री, इसी वजह से हम देखने को बोल रहे हैं। एक तो 90 डिग्री जहां पे आर थ्री एक्ट कर रहा है, वहां कितना है आपका 90 डिग्री, उसके बाद और एक एंगल आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 60 डिग्री, बचा कितना, एक एंगल है ओ थीटा मान लिया हम, बढ़िया से देखना। और वही जो आर थ्री पासेस थ्रू बी हो रहा है, क्या हो रहा है, हम आर थ्री का जो एंगल ले रहे हैं ना, ये जो थीटा एंगल मान रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल पे है, थीटा डिग्री एंगल पे। अब वो लाइन जहां पर भी एक्स एक्सिस से कितना डिग्री थीटा एंगल ही बनाएगा, जो मेरा आर थ्री का लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस से हमेशा, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और अगर वो कर्व नहीं करता है लाइन, वो अगर स्ट्रेट लाइन ही रहना चाहता है तो वो एक्स एक्सिस से हमेशा थीटा एंगल ही बनाएगा। इसी वजह से हम देखिएगा बी पॉइंट पे भी हम आर थ्री का डायरेक्शन को कितना डिग्री एंगल पे दिखाए हैं, थीटा डिग्री पे ही दिखाए हैं। जो मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग में थीटा डिग्री एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, वो एंड पॉइंट तक हमेशा क्या होगा, वो थीटा डिग्री एंगल ही शो करेगा। ये समझ में आया कि नहीं दोनों पॉइंट पे, बताओ। आर थ्री हम जहाँ स्टार्टिंग में लिखे हैं yes, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, बी पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा डिग्री एंगल बनाएगा। यस सर, समझ में आ गया। और सबको, और सबको यस सर, ठीक है। तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं, अब थीटा को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा एक एंगल 90 डिग्री जहां पे एक्ट किया एट पॉइंट सी आर थ्री, वहां पे 90 डिग्री हो गया, एक आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, 90 प्लस 60 कितना हो गया 150 डिग्री, और एक ट्रायंगल का समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है, 180। तो आपको 150 मिल चुका है, तो थर्ड एंगल नहीं मिल जाएगा आपको, आपको yes, sir. कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो नहीं जाएगा, 150 प्लस 30 यस सर 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा बस। तो ये 130 अब कैसे आ गया आर थ्री यहाँ पे 30 डिग्री, कन्फ्यूजन सेस, अब तो कन्फ्यूजन नहीं है ना कि 30 डिग्री कैसे आया आर थ्री हॉरिजेंटल के साथ, 30 डिग्री एंगल कैसे बना रहा है, कुछ डाउट है क्या, बताओ। ये वाला फिगर एक बार फिर देख लो, वो जो लाइन है ना, वो लाइन हमेशा ही, कोई भी लाइन हो, आपको एक यूनिवर्सल याद रखना है, कोई भी लाइन हो जितना डिग्री एंगल एक्स एक्सिस से अगर स्टार्टिंग में बनाएगा, तो हम उस लाइन में जहां भी कट करे वो एक्स एक्सिस से उतना ही डिग्री उस पॉइंट पे भी बनाएगा जिस पॉइंट पे हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेकिन एक्स एक्सिस स्टार्टिंग में जिस एक्सिस से लिए थे वो
अप टू एंड पॉइंट वो उस एक्सिस के साथ उतना ही डिग्री एंगल बनाएगा, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। वाई अभी एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे एक्स एक्सिस के साथ देख रहे हैं, दूसरी जगह पे वाई एक्सिस के साथ देख रहे हैं, ऐसा नहीं। हम सिर्फ एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और, ठीक है? इसी वजह से हम दोनों जगह पे जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे थीटा लिखे हैं एक्स एक्सिस के साथ, और बी पॉइंट पे भी थीटा 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 लिखे हैं एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? समझ में आया कि नहीं बताओ, या और भी रिपीट करना पड़ेगा? आ गया सर। उसके बाद देखो हम क्या लिखे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, तो हम उसको क्या कर दिए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे ही आता है, तो 30 मिल गया। बचा कितना, कितना बचा, सर 123.9 डिग्री। 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री है, थर्टी वो दे डिग्री सर, हमको वो मिल यस सर, वो चुका है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे नहीं मिलेगा, तो 60 डिग्री मिल गया, वो निकल गया अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, अल्फा यस प्लस 30 इज इक्वल टू 90 होगा। यस सर। ओके ठीक है, एक और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 56.1 कितना यस सर। हो जाएगा, 146.1 बीटा का वैल्यू। यस सर। अब गामा तो कर ही लोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, अल्फा बीटा पता है आपको, गामा नहीं निकल जाएगा, बताओ, अल्फा पता हो गया आपको, बीटा पता हो गया, गामा पता नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360, तो वहां से अल्फा 360 बीटा पता है, कैलकुलेट करके सर, बताओ, 153.9 डिग्री, 33 है ना क्या, 153। 153.9। ओके ठीक है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो आप लोग, पहले ये वाला फिगर लिखो, जैसे जैसे लिखे उसके बाद फिर से करते रहना इस तरह से, ये वाला पहले लिखो, ये वाला हो जाए तो दूसरा वाला फिगर भी बता देंगे आपको, आहिस्ता आहिस्ता से लिखो, 2 मिनट टाइम दे रहे, सभी कोई लिखेगा, सोएगा नहीं कोई, लिखना है खाता में, कैलकुलेशन आप ही को करना है, हमको नहीं, हो गया सर। ठीक है? और सबका ठीक से बनाना फिगर वगैरह, ठीक है? ये थोड़ा मेरा जल्दी में ये हो गया तो, आज एंगल समझ में आया कि नहीं, कैसे कैसे कौन सा एंगल है, वो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो थोड़ा आप लोग ना यस थोड़ा सर। बढ़िया से लिखेगा, और सबका हुआ, उसके बाद फिर आपको दूसरा ये देंगे, ठीक है? नीचे वाला फिगर भी बना लीजिए, ये तो हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम नीचे वाला है, वो तो फोर्स डायग्राम है, ये फ्री बॉडी डायग्राम नीचे वाला पढ़ाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम भी है हम लोग का सिलेबस में, ये वाला लिखिए, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, अभी नहीं है सिलेबस में, आ जाएगा तो करवा देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है, तो सारे सपोर्ट को हटा देना पड़ता है, ये लिखिए, समझ के लिखिएगा, क्या सबका हुआ? ठीक यस सर, हो गया। है, नीचे वाला ये भी लिख लीजिए आप लोग, कैसे कैसे आप लोग किए हैं, इसका सोल्यूशन आपके पास तो रहना चाहिए, जो जरूरी है वो एकदम लिखिएगा, नहीं तो जब 8 दिन बाद जब आप करने जाइएगा इस क्वेश्चन को, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उस समय के लिए आपको कुछ देखने से ही पता लगना चाहिए कि ये स्टेप ऐसे था, ये वाला स्टेप ऐसे था, ऐसा नहीं कि उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये वाला एंगल कैसे लेते, वो वाला एंगल कैसे लेते, लिखिए इस तरह से, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कैसे कैसे आ रहा है, स्टेप शायद आप लोग को अब समझ में आने लगा होगा कि कैसे कैलकुलेशन करना है, हम उम्मीद करते हैं, इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद अगर फिर भी आपको अगर स्टेप समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत वाली बात है, बाय अप्लाइंग क्या करेंगे हम लोग, आप लोग को पता ही है, बाय अप्लाइंग लेमिस थ्योरम एट पॉइंट बी क्या करेंगे, वी गेट वी कैन गेट, तो जब R2 लिखेंगे दो और फोर्स बचेगा क्या, R4 माइनस 5500 और क्या R3, उसके बीच में एंगल क्या है, अल्फा है, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे R2 का साइन अल्फा के साथ, इतना ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू लिखेंगे
आर थ्री ऊपर लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बचा क्या क्या मेरे पास, आर थ्री जब आर टू और आर फोर माइनस 500, उसके बीच में क्या एंगल है, बीटा एंगल है, तो आर थ्री को डिवाइडेड बाय साइन बीटा कर देंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे तीसरा फोर्स मेरा क्या है, आर फोर माइनस 500। देखिएगा अब मेरा तीसरा फोर्स आर फोर सिर्फ नहीं है, आर फोर माइनस 500 है तीसरा जो फोर्स है मेरा, तो वहां पे क्या करिएगा आप लोग, आर फोर माइनस 500 डिवाइडेड बाय क्या करिएगा साइन गामा, क्योंकि आर फोर माइनस 500 जब फोर्स को हाथ में रखिएगा उसके बाद दो फोर्स क्या क्या बचेगा आपके पास, आर थ्री और आर टू, और उसके बीच में एंगल क्या है, गामा है, ठीक है। अब आपको आर टू पता है तो आर टू का वैल्यू रख दीजिएगा, आर टू वैल्यू आपका कितना आया था 240.8, वो रख दीजिएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद आर थ्री और आर फोर कैलकुलेट करके बताइए, अभी बताइए आर टू का वैल्यू जो आप लोग कैलकुलेट किए हैं वो वैल्यू रख दीजिए वहां पे कितना है, 240.8 न्यूटन। अल्फा का वैल्यू पता है, बीटा का भी पता है, एक क्या लिखिएगा आर टू बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू आर थ्री बाय साइन बीटा, एक इक्वेशन करिएगा, दूसरा इक्वेशन क्या करिएगा, आर टू बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू आर फोर माइनस 500 डिवाइडेड बाय साइन गामा करिएगा, दोनों दोनों इक्वेशन को इक्वल करके बताइए कितना आ रहा है, फटाफट बताइए, टाइम ज्यादा है नहीं, तो ये वाला चैप्टर अगर आपको अगर हो जाए ना तो बढ़िया रहेगा। फिर रुद्र प्रताप, यस सर, ऐसे ही किया था क्या कैलकुलेशन? यस सर, इसी तरह किए थे सर, इसी तरह अल्फा बीटा गामा ऐसे ही निकाला था ना, कैलकुलेशन किया था ना? यस सर, यस। चलो ठीक है, अभी कैलकुलेट करके बताओ, आर टू का वैल्यू रख देना 240.8 रख देना उसमें, और उसके बाद दो इक्वेशन बना करके दोनों वैल्यू बताओ कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी, अभी अभी सर। आर फोर का आंसर सर, आर फोर और आर थ्री, आर टू तो पता है आपके पास पहले वाले फिगर से, आर टू पता है आपके पास 240.8 है वो तो पता है, उसको वहां पे रख दीजिए आर टू के जगह, आर टू क्या रखिएगा 240.8 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू आर थ्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा, वहां से आर थ्री कैलकुलेट कीजिए, सिमिलरली क्या कीजिएगा आर टू का वैल्यू रखिएगा 240.8 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू आर फोर माइनस 500 डिवाइडेड बाय साइन गामा करिएगा, दोनों वैल्यू बताइए आर फोर और आर थ्री का, जल्दी बताइए थोड़ा टाइम नहीं है, 25 होने जा रहा है, 4 25 कैलकुलेट कर दे, तो ये चैप्टर अगर हो जाएगा ना हम लोग का फिर बहुत बढ़िया रहेगा, फिर हम नया चैप्टर आर थ्री जो कर दो 154.05 न्यूटन, 154.05 सर, ठीक है 155 तक आ रहा है ना, 154 आ रहा है आप लोग का, यस सर, न्यूटन, ये आर थ्री है 155 न्यूटन सर, आंसर ठीक है ठीक, और आर फोर सर 120, कैलकुलेट करिए कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट और 2 मिनट और दे रहे हैं, उसके बाद छोड़ेंगे क्लास में, तो छोड़ेंगे नहीं अभी सर, 122.3 न्यूटन सर, 122.3 हां सर, उसमें माइनस प्लस किए सर 500 तो 600, नहीं सिर्फ आपको आर फोर बताना है आपको, आप सिर्फ आर फोर बताइए, आर थ्री और आर फोर बताना है आपको सर, आर फोर 122.3 सर न्यूटन, ओके ठीक है सर, 623.71 आ रहा है, 623, यस सर, आर फोर, यस सर आर फोर, देख लेते हैं कितना है, आर फोर आएगा आपका 622.3 या फिर 23 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर फोर का वैल्यू हो जाएगा, ये जो आर फोर माइनस 500 का वैल्यू 122.3 है, ठीक है रुद्र, यस सर, यस सर, जब आर फोर का वैल्यू लिखना है आपको 622.3 आ रहा है, अगर 623 भी आ रहा है तो चलेगा, 625 तक चलेगा सर, उसको 500 उसको ऐड करने बाद 622.3 आ ही रहा, हाँ एकदम आएगा, नहीं तो देखो क्या होगा ना अगर, हाँ एक चीज समझा देंगे इस क्वेश्चन से, आप लोग पहले कर लीजिए फिर हम, अगर मान लीजिए 500 से कम आएगा ना आर फोर का वैल्यू तो वो बॉडी तो नीचे की तरफ आ जाएगा, मीनिंग समझ रहा है, ज्यादा आने का 500 से ज्यादा आने का, अगर 500 से कम आता, मान लीजिए
आपके पास एक लोहे का कोई ये है, गोला है, आपको क्या है कि उसका वजन कितना है, 100 kg मान लीजिए, और आप ज्यादा से ज्यादा बोझ कितना सह सकते हैं, 50 kg। तो आप जब उस 100 kg का गोला या फिर बॉल आपके हाथ में रखेगा तो क्या होगा, आपका हाथ नीचे की तरफ नहीं आ जाएगा जी, रहेगा यस सर, आ उसमें, जाएगा। नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बॉडी वहीं पे है, मतलब क्या है, मेरा जो नीचे से फोर्स लगाने वाला चीज है ना वो ज्यादा लगा रहा है, तभी तो वो बॉडी उस पोजीशन पे अटका हुआ है, नहीं तो वो नीचे आ जाता है। आप अगर मान लीजिए अपना हाथ में 100 kg अब रख सकते हैं, और आप अभी क्या करें, एक 50 kg वाला बॉडी आपके हाथ में रख रहे हैं, तो अब क्या कीजिएगा, आराम से आप उस बॉडी को अटका लीजिएगा, नीचे नहीं जाने दीजिएगा। यही सिचुएशन यहाँ पर भी है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो फोर्स लगा रहा है, वो जो बॉडी का वेट है वो 500 न्यूटन है, लेकिन अभी आप नीचे की तरफ से कितना फोर्स लगा रहे हो, वो ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहा था, अब नीचे से ऊपर की तरफ आप कितना लगा रहे हैं, 622.23 न्यूटन लगा रहा है। तो आपका बॉडी जहां पे था वही रहेगा, स्टैटिक पोजीशन पे ही रहेगा। इसी वजह से अगर आपका कम हो जाता या फिर नेगेटिव वैल्यू आता तो आपका बॉडी वहां से लुढ़क जाता, रोल कर जाता, या फिर नीचे आपका फिसल जाता, टपल कर जाता आपका बॉडी। यही मतलब रहता है कि कभी भी आप अगर किसी चीज को वैल्यू को अगर कैलकुलेट करिएगा ना, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के ज्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये चीज थोड़ा बहुत आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आया, धनीराम? यस सर, ओके ओके, चलो ठीक है। तो आज और ज्यादा क्लास नहीं कर रहे हैं हम, ज्यादा नहीं ले जा रहे हैं, 1-2 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है क्लास का, आपका 1 मिनट आगे ही छोड़ दे रहे हैं, आप लोग को जाइए थोड़ा ये कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, आप लोग बहुत क्लास किए हैं दिन भर, तो चलिए जाइए, थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय। थैंक यू सर।